वेलकम बैक टू गौरव ट्यूटोरियल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले वाला वीडियो सल्फर का ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उसे ज़रूर देखिए ताकि आप इस टॉपिक को भी उसके साथ रिलेट कर सकें। तो आज बात करते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड की, जिसका फॉर्मूला है SO2। तो सबसे पहली दफ़ा SO2 को इंडस्ट्रियली बनाया गया था 1775 में प्रीस्ली के द्वारा, जब उन्होंने सल्फर को बर्न किया इन एयर। उसी तरीके से इन 1777 लेवोजियर ने भी SO2 प्रिपेयर किया था, बट इनका तरीका थोड़ा सा अलग था। व्हाट डिड ही डू इज ही टुक सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड ओवर मर्क्यूरी। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरी को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड। जाते हैं इसके प्रोडक्शन में। इसका प्रोडक्शन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। क्या है इसका प्रोडक्शन? जब भी आपको सल्फर आपको मिला है, आपको सिर्फ उसे जला देना है, और जलाना है मतलब हवा चाहिएगी, और हवा है मतलब ऑक्सीजन रहेगा। तो व्हेन सल्फर इज हीटेड इन एयर इट गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। सो S+O2 गिव्स SO2, जहाँ पे S है सल्फर, O है ऑक्सीजन और SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड। एक दूसरा तरीका भी है सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने का, जो कि का क्या है, आयरन पाइराइट ऑन रिएक्शन विथ डाई ऑक्सीजन गिव्स SO2 एंड Fe2O3। मतलब जब भी आयरन पाइरेट को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, हम देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और Fe2O3 मतलब आयरन ऑक्साइड मिलेगा। तो 4 Fe2 प्लस 11 O2 गिव्स 8 SO2 प्लस 2 Fe2O3, जहाँ पर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड है, Fe2 आयरन पाइराइट है, और O2 क्या है, ऑक्सीजन है बच्चों। चलिए अब समझते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी है। यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। तो अभी पढ़ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर सबसे पहली बात करें तो इट इज़ अ कलरलेस गैस, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है इसकी, इट हैज़ अ वेरी पंजेंट स्मेल विच कैन कॉज इरीटेशन इन आईज, कफिंग एंड सफोकेशन। बहुत ही गंदी बांस होती है, जिसके वजह से आपकी आंखों में जलन होगी, खांसी आएगी और दम घुटने लगेगा। सिंस इट फॉर्म्स सल्फ्यूरस एसिड विथ वाटर, इट इज़ एन एसिडिक ऑक्साइड। मतलब जब इसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, इसीलिए इसे कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड भी। इट लिक्विफाइज एट 283 केल्विन, मतलब जब 283 का टेम्परेचर देंगे आप इसे तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की। तो जो पहली प्रॉपर्टी है, इट इज़ रिएक्शन विथ गैस। तो जो सबसे पहला रिएक्शन देखा जाएगा गैस के साथ में, वो क्या है, हमें मिलती है एक प्रोडक्ट जिसका नाम है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड इज़ फॉर्म्ड व्हेन SO2 इज़ पास्ड ओवर NaOH। मतलब जब भी मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में SO2 का रिएक्शन करवाता हूँ, मुझे एक प्रोडक्ट मिलती है जिसका नाम है सोडियम सल्फाइड। तो रिएक्शन कुछ ऐसा बनता है बच्चों, SO2 विच इज़ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ NaOH, 2 NaOH इनफैक्ट विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्म्स Na2SO3 सोडियम सल्फाइड प्लस वाटर H2O। जो दूसरा रिएक्शन बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, वो बनने वाला है किसके साथ में, वो बनने वाला है देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। मतलब जब आपने डीकैंडेड लाइम वाटर लिया रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसको आप SO2 से रिएक्ट करवाएंगे, तो ये क्या बना देगा, उसे वाइट कलर दे देगा, मिल्की कलर करवा देगा। तो SO2 प्लस CaOH2 गिव्स CaSO3 विच इज़ कैल्शियम सल्फाइड अलॉन्ग विथ वाटर। वाटर दोनों ही रिएक्शन में बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे रिएक्शन की, रिएक्शन विथ डाई ऑक्सीजन। ये रिएक्शन एक और जगह पे यूज होता है, जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से आप बनाते हैं क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए, इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 SO2 एंड O2 गिव्स SO3। रिएक्शन इज 2 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 वेनेडियम पेंटोक्साइड एट 723 केल्विन गिव्स 2 SO3, जहाँ पे SO3 का मतलब क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तीसरा रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S।
ये रिएक्शन हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको तो आता ही होगा, और नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक। SO2 acts as an oxidizing agent, thus H2O H2S is oxidized to S and SO2 is reduced to S. चलिए रिएक्शन देखते हैं क्या है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2S कितना, दो दो H2S क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स 3S प्लस 2H2O, 3S मतलब सल्फर और वाटर भी मिल गया हमें, तो यही तो रिएक्शन देखा था हमने। ये क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम में देखा था, है ना। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की। तो सबसे पहला यूज जो आएगा वो क्या है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो अभी जो हमने बताया ना आपको ऊपर में रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन गैस के साथ में, वही प्रॉपर्टी को यूज करने वाले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा, सिंस इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इट इज यूज एज प्रिजर्वेटिव्स। हम जो ब्रेड जैम वगैरह लेकर के आते हैं, जो जैम वगैरह लेकर के आते हैं, उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड पंप किया जाता है ताकि बैक्टीरिया उसको सड़ा ना सके। तीसरा पॉइंट है, इट इज़ यूज इन ब्लीचिंग ऑफ वुडन पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। तो जिस पेपर पे आप आपके पेन को यूज़ करते हैं, आप लिखते हैं, उस पेपर के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ वीक ब्लीचिंग एजेंट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ दैट इज द केस, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। God bless you.